हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा और आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू ऑन एडवांस अकाउंटिंग तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड है एमसीक्यू अकाउंटिंग के ऊपर पहला क्वेश्चन बताया गया है टाइप्स आर लीजिंग आर टाइप्स ऑफ लीजिंग आर इनमें से कौन सा टाइप लीजिंग का है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल लीजिंग फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज ऑपरेटिंग एंड नॉन नॉन ऑपरेटिंग लीज या नन ऑफ द अबाव तो यहाँ पर राइट आंसर है बी फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज फाइनेंशियल लीज इज फाइनेंशियल लीज कैसा होता है टेम्प्ररी शॉर्ट टर्म एंड कैंसलेबल लॉन्ग टर्म एंड नॉन कैंसलेबल या नन ऑफ द अबाव तो राइट आंसर इज लॉन्ग टर्म एंड नॉन कैंसलेबल ऑपरेटिंग लीजिंग कैसा होता है ऑपरेटिंग लीजिंग जो कि ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है जो ऑपरेशन से जो वर्किंग से रिलेटेड है शॉर्ट टर्म एंड कैंसलेबल लॉन्ग टर्म एंड नॉन कैंसलेबल टेम्प्ररी एंड कॉन्टिजेंट फाइनेंशियल लीज लॉन्ग टर्म एंड नॉन कैंसलेबल होता है वहीं ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म एंड कैंसिलेबल होता है आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन वेन टू और मोर कंपनी टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी आर लिक्विडेटेड एंड न्यू कंपनी टू टेक ओवर बिजनेस इट इज टर्म्ड एज जब दो या दो से ज़्यादा मिलकर कंपनी किसी तीसरी कंपनी को फॉर्म करती है लिक्विडेटेड होने के बाद किसी तीसरी कंपनी को टेक ओवर कर देती है तो उसे हम क्या बोलते, है? उसे हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं एमेलगमेशन अर्थमेटिकली अर्थमेटिकली अगर हम एमलगमेशन एमेलगमेशन को देखते हैं तो कैसी डेफिनेशन बनती है ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इक्वल्स टू ए बी लिमिटेड इट मीन्स दो अलग अलग कंपनी मिलकर जब एक कंपनी बनती है तो उसे हम बोलते हैं एमेलगमेशन वेन वन एग्जिस्टिंग कंपनी एक्वायर द बिजनेस ऑफ टू और मोर सिमिलर कंपनीज जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो हम उसे क्या बोलते हैं तब हम उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एमेलगमेशन इज मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एमेलगमेशन क्या होता है टू मैक्सिमाइज कॉमन बेनिफिट टू रिड्यूस इंटरनल कॉम्पिटिशन टू मिनिमाइज कॉमन एक्सपेंसिस या ऑल ऑफ द अबाओ तो यहाँ पे राइट right आंसर है तीनों ही ऑप्शन राइट हैं इससे हम क्लिक करेंगे डी ऑप्शन पे दैट इज ऑल ऑफ द अब एक्सेस ऑफ परचेज कंसिड्रेशन ओवर नेट एसेटिस जहाँ पर परचेज कंसिड्रेशन ज़्यादा है एक्सेस ऑफ परचेज कंसिड्रेशन नेट एसेट से परचेज कंसिड्रेशन ज़्यादा होता है तो हम उसे कहते हैं गुडविल द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू ऑफ़ लाइबिलिटी एंड एक्चुअल पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज़ ट्रांसफ़र टू डिफ़रेंस बिटवीन बुक वैल्यू ऑफ़ लाइबिलिटी एंड एक्चुअल पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी जो बुक वैल्यू है लाइबिलिटी की और एक्चुअल पेमेंट जो है वो उन दोनों का डिफरेंस कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है उसका ट्रांसफर हम रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं सनरी एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू एग्रीड वैल्यू लोअर वैल्यू और नन ऑफ द अबाव तो हम उसे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं वेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर पेड एंड बोर्न बाय ओल्ड कंपनी इट इज़ डेबिटेड टू जब ओल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसिस ओल्ड कंपनी बेयर करती है तो इसे हम कहाँ डालते हैं इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं वहीं वेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर पेड एंड बोर्ड बाई परचेजिंग कंपनी अगर ओल्ड कंपनी बियर कर रही है तो इसको हमको डेबिट करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट में वहीं अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसिस परचेजिंग कंपनी बोन कर रही है तो हमें इसे कहाँ एंट्री करनी पड़ेगी इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती इफ़ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर इंक्लूडेड इन परचेज कंसिड्रेशन ओल्ड कंपनी विल डेबिट अगेन यहाँ पर हमने देखा कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेज जो हैं ओल्ड कंपनी लेती है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे हम रियलाइजेशन में करते हैं इफ़ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर बोर्न बाय ओल्ड कंपनी बट बोर्न बाय न्यू कंपनी थर्टी टू क्वेश्चन में बताया गया है इफ़ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर पेड बाय ओल्ड कंपनी ओल्ड कंपनी पे कर रही है लेकिन बोर्न बाय न्यू कंपनी तो उस समय के लिए जब तक ओल्ड कंपनी उसे पे कर रही है तो ओल्ड कंपनी उसे कहाँ डेबिट करेगी उसे न्यू कंपनी के नाम से डेबिट करेगी एक्सेस ऑफ नेट एसेट ओवर परचेज कंसिडरेशन तो इसे हम करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में द नेचर ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन फ़ंड इज़ डिविडेंड इक्वलाइजेशन फ़ंड का नेचर कैसा है वो कहाँ डालते हैं हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में डालते हैं द नेचर ऑफ़ प्रोविडेंट फंड इज़ प्रोविडेंट फंड हमारे लिए क्या है प्रोविडेंट फंड हमारे लिए एक प्रकार से करेंट लाइबिलिटी है रियलाइजेशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन प्रॉफिट कहाँ क्रेडिट किया जाता है क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अकाउंट आर क्रेडिटेड एट न्यू कंपनी में शेयर कैपिटल और डिबेंचर अकाउंट किस पे क्रेडिट किया जाता है पार वैल्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर पार वैल्यू मीन्स जितने का शेयर है उसी वैल्यू पे उसे हम क्रेडिट करते हैं वैन एक्सपेंसिस ऑफ लिक्विडेशन पेड बाई परचेजिंग कंपनी द परचेजिंग कंपनी विल डेबिट टू परचेजिंग कंपनी उसे कहाँ डेबिट करेगी वैन द एक्सपेंसिस ऑफ लिक्विडेशन पेड बाई परचेजिंग कंपनी जब एक्सपेंसिस परचेजिंग कंपनी पे करती है तो परचेजिंग कंपनी उस एक्सपेंसिस को कहाँ डेबिट करेगी वो गुडविल अकाउंट में डेबिट करेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन के हिसाब से रिकोगनाइजेशन परचेज कंसिड्रेशन इज पेबल टू परचेज कंसिड्रेशन किसे पे किया जाता है शेयर होल्डर को पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज़ यूज इन एमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड किस में पेड किया जाता है एमेलगमेशन में इन द नेचर ऑफ मर्जर मर्जर मीन्स जब दो कंपनी मर्ज हो जाती है वेन कंपनी इन टर्न इंटू लिक्विडेशन एंड न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है और नई कंपनी फॉर्म इज़ फॉर्म टू टेक ओवर बिजनेस सच कंपनी इज टर्म एज एक्स एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जब कंपनी लिक्विफाइड होती है और न्यू कंपनी फॉर्म होती है ताकि हम उसे टेक ओवर करके कोई नया फॉर्म बिजनेस फॉर्म कर सके तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वेन कंपनी इज़ इंटरनली रीऑर्गेनाइजड विदाउट लिक्विडेशन अगर हम लिक्विडेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इंटरनल उसे रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑथराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज रिज़र्व एंड नॉट बी कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी ऐसा पार्ट ऑफ कैपिटल जो रिज़र्व करने र, कर, कर रखना पड़ता है और कभी भी अपने कंपनी के लाइफ में उसे हम बुला नहीं सकते ऐसे कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहा जाता है शेयर स्टॉक मीन्स शेयर स्टॉक मतलब क्या होता है बंच ऑफ फुली पेड अप शेयर को हम शेयर स्टॉक भी कहते हैं शेयर ऑफ 100 कन्वर्टेड इंटू शेयर ऑफ रुपीज़ टेन इज टर्म्ड एज सब जब शेयर ऑफ रुपीज़ हंड्रेड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट पार्ट में या स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं जैसे रुपीज़ टेन में तो इसे हम सब डिविज़न भी ठीक है शेयर ऑफ रुपीज़ टेन इज़ कन्वर्टेड इनटू रुपीज़ हंड्रेड जब हम टेन 10 से हंड्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे कंसोलिडेशन कहते हैं इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू एसरटेन द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन जब हम एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तो हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि हमें पता चल पाए कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कितना है तब हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है इन केस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन फॉलोइंग अकाउंट इज टू इज प्रिपेयर टू एसरटेन द रिजल्ट ऑफ स्कीम अगर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट ऑफ शेयर सरेंडर बट नॉट रीइूड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर कर दिए गए बट नॉट री इशूड लेकिन अभी तक रीशूड नहीं किए तो उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे उससे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे अंडर एमेलगमेशन या एब्जॉप्शन पेमेंट ऑफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज डेबिटेड टू पेमेंट ऑफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मीन्स ऐसी लाइबिलिटी जो अनसर्टेन है हमें पता नहीं है फ्यूचर में कभी भी आ सकती है तो इसकी पेमेंट हम कहाँ डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में इन केस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन पेमेंट ऑफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी अगर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन है तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में करेंगे एनी गेन ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी अंडर एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अगर कोई भी गेन हो रहा है या कहीं पे पेमेंट करनी है तो हमें एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन करते समय इसे हमें कहाँ क्रेडिट करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ अन रिकॉर्डेड एसेट्स अंडर एब्जॉर्प्शन इज़ क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन ऑफ अन रिकॉर्डेड एसेट अगर कोई ऐसे एसेट हैं जो रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं एब्जॉर्प्शन करते समय इसे हमें रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करना होगा वो भी क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन ऑफ़ अन रिकॉर्डेड एसेट अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है तो इसे हम क्रेडिट करना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट अंडर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन इज क्रेडिटेड टू अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करते समय उसे कहाँ क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिडक्शन में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हमें इसे क्रेडिट साइट में पोस्ट करना होगा तो ये थे कुछ एम सी क्यू जो कि थे एडवांस अकाउंटिंग के ऊपर आगे भी हम आपको और भी वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को वॉच करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो ए फ्रेंड आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए थैंक यू